हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सागर धनखड़ मर्डर केस में आज चार नई गिरफ्तारियां हुई और तब जाकर यह पता चला कि इस मर्डर के बाद दिल्ली में गैंग वॉर जैसे हालात बन रहे थे। क्या पहलवानी के नाम पर गैंग चलाया करते थे? सुशील कुमार का गैंग कौन सा था? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में शार्प शूटर्स घूम रहे हैं। एक काला जठेड़ी गैंग के शूटर्स हैं, दूसरा नीरज भवाना काला असोदा गैंग के। गैंगवार का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा क्यों है? इस कहानी के लिंक भी वहीं जुड़ जाते हैं, छत्रसाल स्टेडियम से, जहां सागर धनखड़ का मर्डर हुआ था और सागर के दोस्त सोनू महाल की पिटाई हुई थी। इस सब के पीछे भी एक नाम आ रहा है, सागर धनखड़ के हत्यारोपी पहलवान सुशील कुमार का। दिल्ली पुलिस को पहलवान के काला जठेड़ी गैंग से रिश्ते का पता चला है। सुशील की नीरज भवाना काला असोदा गैंग से दोस्ती थी, लेकिन अब पहलवान का एक गैंग दुश्मन बन गया है, जिसके बाद गैंगवार का खतरा मंडरा रहा है। पहलवान का वो दुश्मन गैंग कौन है? सागर धनखड़ केस का ये नया ट्विस्ट क्या है? उसका खुलासा तब हुआ जब सोनू धनखड़ मर्डर केस में नीरज भवाना, काला असोदा गैंग के चार और काला जठेड़ी गैंग के छह शार्प शूटर्स को पकड़ा गया। के नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भूली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। उनके पास कोई हथियार वगैरह कुछ बरामद है? नहीं, अभी इनके पास कोई रिकवरी किसी प्रकार की नहीं है और अभी बाकी तफ्तीश चल रही है। दिल्ली NCR में अब खूनी गैंगवार का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4-5 मई की रात सोनू महाल की पिटाई के बाद काला जठेड़ी और नीरज भवाना काला असोदा गैंग आमने सामने हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी इन दोनों ही गैंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस गैंग के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही सुशील पहलवान के भी इन दोनों गैंग से मिलीभगत की तफ्तीश भी तेज कर दी गई है। दो गैंग में तनातनी के इस कहानी में सुशील कुमार का रोल क्या है वो सुन लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि पहलवान का बैक डोर काम क्या था। रेसलिंग का राजा ही नहीं, पहलवान की क्राइम गेम में भी मास्टरी थी। कुश्ती के दांव पे सीखते सीखते क्राइम गेम को सुशील कुमार एंजॉय करने लगा और कुछ ही दिनों में वो जरायम के खेल में रेफरी की भूमिका में आ गया। मतलब किसको धमकाना है, किसको पिटवाना है, किसको डराना है, किस पर धाक जमानी है और किसको रंगदारी में फंसाना है, ये सब सुशील कुमार तय करता था। सुशील ने जिसके नाम की पर्ची काट दी उसका गेम तय था। सुशील के गैंगस्टर दोस्त उसके गिरेबान तक पहुंच जाते। दिल्ली पुलिस से हमें पहलवान के अपराध के अखाड़े की एक एक एंट्री का पता चला है। इसको समझने के लिए सुशील कुमार के उस पन्ने को पलटना होगा जहां से उसके तार मलेशिया में बैठे गैंगस्टर से जुड़ते हैं, जिसका नाम है काला जठेड़ी। गैंगस्टर काला जठेड़ी इस वक्त मलेशिया में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। हिंदुस्तान में गैंग को उसका राइट हैंड लारेंस विश्नोई संभाल रहा है। तफ्तीश में सामने आया है कि सुशील कुमार, लारेंस विश्नोई और काला जठेड़ी के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन सेल चला रहा था, जिसमें सुशील की भूमिका एक रेफरी की तरह थी। सुशील कुमार ही काला जठेड़ी को कई बिजनेसमैन के मोबाइल नंबर देता और एक्सटॉर्शन कॉल करवाता था। जब मामला बढ़ता तो बीच में मध्यस्थता कर बिजनेसमैन और काला जठेड़ी के बीच समझौता करवा देता था। लेकिन अब वही काला जठेड़ी लारेंस विश्नोई संपत मेहरा से सुशील कुमार को डर लग रहा है। सुशील कुमार ने दिल्ली पुलिस से इन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया है। आखिर काला जठेड़ी, लारेंस विश्नोई, संपत मेहरा क्यों पहलवान की जान के दुश्मन बने हुए हैं? उसकी वजह है सागर धनखड़ की हत्या। सुशील कुमार और उसके साथी सोनू महाल को छत्रसाल स्टेडियम के अंदर किडनैप करके लाए थे और उसकी जमकर पिटाई की थी। सागर की मौत हो गई जबकि सोनू महाल अभी तक जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर धनखड़ काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ था और सागर का दोस्त सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का भांजा है। जब से काला जठेड़ी को भांजे की पिटाई का पता चला है, उसके बाद से वो सुशील कुमार का दुश्मन नंबर वन बन गया है। सूत्रों से खबर मिली है कि अपने भांजे की पिटाई के बाद काला जठेड़ी बेहद गुस्से में है। सुशील कुमार को सबक सिखाने के लिए उसने अपने गुर्गो लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को ऑर्डर दे दिए हैं। जब ये बात सुशील कुमार को पता लगी तो उसने अपनी सुरक्षा की अपील दिल्ली पुलिस से की। इसी के बाद सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में ले जाते हुए बकायदा स्वात कमांडो की टीम की बख्तरबंद गाड़ियों से एस्कॉर्ट किया गया। अब इस पूरे मामले में काला जठेड़ी गैंग की एंट्री के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए काला जठेड़ी गैंग पर मकोका लगा दिया है।
आपको बता दें कि काला जठेड़ी कौन है, क्यों सुशील कुमार को जठेड़ी से डर लग रहा है, उसकी वजह है काला जठेड़ी गैंग का आपराधिक अतीत। काला जठेड़ी विदेश से बैठकर अपना गैंग चला रहा है, जबकि उसके गैंग की हिंदुस्तान में कमान लॉरेंस बिश्नोई ने संभाल रखी है, जो संपत नेहरा के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और एक्सटॉर्शन जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी विवादित जमीनों में डील करता है और फिर उन जमीनों से कब्जे छुड़वाकर कमीशन का खेल खेलता है। ऐसा माना जाता है कि काला जठेड़ी के गैंग में करीब 500 गुर्गे हैं। फिलहाल काला जठेड़ी राजस्थान के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी कमान संभाले हुए है। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का वही डॉन है जिसने 2 साल पहले बॉलीवुड एक्टर और सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की सुपारी संपत नेहरा को दी थी। सुपारी लेने के बाद संपत नेहरा अपने गुर्गों के साथ मुंबई भी गया, सलमान खान की सिक्योरिटी की रेकी भी की, लेकिन सलमान की सुरक्षा बेहद कड़ी होने के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इससे पहले कि संपत दोबारा सलमान को मारने की कोशिश करता, हरियाणा पुलिस की SIT ने उसे हैदराबाद से धर दबोचा था। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी के सबसे वफादार लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा समेत 4 गुर्गों को 1 महीने के पुलिस रिमांड पर लिया है। इन चारों को देश की अलग अलग जेलों से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इन चारों पर मकोका लगाया गया। इसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत को इनकी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया, जिसके बाद अदालत ने इन चारों गुर्गों को 1 महीने के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस काला जठेड़ी गैंग की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है। काला जठेड़ी सुशील पहलवान से नाराज है। सुशील को भी जठेड़ी से अपनी जान का डर सता रहा है। उसकी वजह सिर्फ जठेड़ी के भांजे सोनू महाल की पिटाई नहीं है। दरअसल सुशील पहलवान और काला जठेड़ी के बीच में अनबन की शुरुआत पैसों और कमीशन को लेकर हो गई थी। सागर धनखड़ और सोनू महाल के विवाद ने इसे और भड़का दिया। जब जठेड़ी से रिश्तों में तलखी आई तो सुशील की नीरज बवाना और असोदा गैंग से करीबी बढ़ गई, जिसका अंजाम सागर धनखड़ की हत्या के रूप में सामने आया। दिल्ली पुलिस ने आज नीरज भवाना, काला असौदा गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ा है, जो 4-5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में ब्रेजा और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे और सुशील के साथ इस वारदात में शामिल थे। पुलिस ने मौके से एक होंडा सिटी गाड़ी, ब्रेजा और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की थी। जांच के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 गन और 3 कारतूस भी बरामद हुए थे। पुलिस पकड़े गए गैंग के मेंबर और सुशील कुमार से पूछताछ कर रही है, लेकिन सुशील गैंगस्टर कनेक्शन पर चुप्पी साधे हुए है। जिस दिन पहलवान का मुंह खुलेगा उस दिन कई और राज बाहर आएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।